भारत सरकार के निर्देशानुसार 3 जनवरी से पूरे देश में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वालों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत की गई, जिसके तहत सीआरसी तथा जिला प्रशासन के तत्वावधान में सीतापुर अस्पताल स्थित सीआरसी परिसर में 15 से 18 वर्ष के दिव्यांगजनों तथा छात्र छात्राओं का कोविड टीकाकरण के कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ग्रामीण विधायक विपिन सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिसके संबंध में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि पिछले कोरोना काल में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम और डॉक्टर के सहयोग से कोरोना पर काबू पाया, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर जनपद में 3.5 लाख युवा हैं जिनका वैक्सीनेशन किया जाएगा, और बताया कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग का प्रयास बहुत ही सराहनीय है तथा CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि 15 साल से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है, जो 2007 से पूर्व जन्म लिया है उनको कोविड टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में 70 जगहों पर बच्चों का टीकाकरण का बूथ बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड का टीका लगवाने से ओमिक्रॉन का संक्रमण नहीं होगा तथा टीका लगाने आए बच्चों ने बताया कि टीका लगवाने से किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा है और सभी को कोविड टीका लगवाना चाहिए। इससे परिवार तथा समाज की दोनों की सुरक्षा होगी और सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए टीका लगाने आए छात्र छात्राएं अंशिका बर्नवाल, शारिका यादव, सूर्यांश श्रीवास्तव, विजया श्रीवास्तव, CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे तथा ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा। आप सभी का इस विशेष शिविर में सीआरसी गोरखपुर के प्रांगण में सीआरसी परिवार को पता है कि भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व सीआरसी गोरखपुर परिवार की तरफ से जनपद प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत करने के लिए जिम्मेवारी देकर शुरुआत करने के लिए हम मंचासीन अतिथिगण से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। 500 की संख्या में उपस्थित युवा साथी और हमारे मान आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, माँ सरस्वती की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे और इस कोविड की विभीषिका से हम सब बाहर निकल करके उभर सके, ऐसी मंगल कामना है। विजय गुप्ता जी से कि आप CMO से कि आप डॉक्टर BN वर्णवाल साहब 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर और किशोरियों के लिए पूरे देश में आयोजित इस विशेष साक्षी बनता दिन इतिहास में दर्ज होगा। नहीं चला इसको तो बहुत बढ़िया। और आप सभी युवा साथी लाओ जी, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लगवा चुके हैं पहले इंजेक्शन, इनको पता थोड़ी हो गया, कुछ पता चला है? चीटी काटी होगी हमको लगता है। बहुत बात रहे हैं, बहुत बात रहे हैं। अपने दोस्त से बात करो, अपने दोस्त से बात करो। हम लोग तो लगवा चुके हैं, हाथ नीचे लगा तो उपस्थित जाएगा। अभी हो सकता है कहा कि दर्द उतर है किसी किसी को, इन सबको पता ही नहीं चलेगा। बिटिया इधर आओ, मुंह करो देखो बेटा, बेटी मुंह इस तरफ। अरे हम फोटो खींच रहे हैं, इधर देखो फोटो खींच रहे हैं। बहुत से इसको पता ही नहीं चलेगा, एमपी की है ना ये, इसी मिल के बहुत बाद हुआ। अरे सारी में बस हो गया जी, दिक्कत नहीं हो रहा है, एमपी मिल के बहुत बाद हुआ। अंशिका बर्नवाल, टीका लगा क्या क्या कहें, कैसा लगा? ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, सभी को लगवाना चाहिए और ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा। और बाकी जो डरने के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल डरने की बात नहीं है, थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा है, इससे परिवार की भी सुरक्षा होगी और साथ ही साथ समाज की भी सुरक्षा होगी। सारिका यादव, आज आपको टीका लगा क्या कहेंगे, कैसा लगा? अच्छा लगा, दर्द भी हुआ थोड़ा सा हल्का सा, पर मतलब बीमारी से बचने के लिए सबको टीका लगवाना चाहिए, उतना भी दर्द नहीं हो रहा है जितना लोग सोच रहे हैं, इसीलिए सबको लगवाना चाहिए वैक्सीन।
सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार के लिए कि मतलब ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मतलब उपलब्ध कराए कि सारे बच्चे को लग जाए। सूर्यांश श्रीवास्तव। आपको टीका लगाया कैसा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? टीका लगवाने के लिए क्या कहेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना टीका लगवा लें? सरकार के लिए योगी जी कहेंगे? योगी जी अच्छा निर्णय लिए बच्चों को टीका लगवाने के लिए, तो हम सबसे कहेंगे जल्दी आए और टीका लगवाए। अच्छा लग रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और आई थिंक सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए और इट इज रियली गुड। सरकार के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर एक सिटीजन को वैक्सीन लगवाना चाहिए ऑफ दिस कंट्री। डरने की कोई बात नहीं है, बट हल्का सा बस पेन हो रहा है, नथिंग इज, और सब कुछ आज 15 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण कर रहे हैं। जो 2007 के पहले जन्म लिया है उन लोगों को टीकाकरण करने का हमारे कार्य योजना है। जनपद में लगभग 70 जगहों पर बच्चों का टीकाकरण का बूथ बनाया गया है और प्रयास ये रहेगा कि 15 दिनों में हम जो है सबको टीकाकृत कर ले जाए। देखिए टीका लगवाने से ओमिक्रॉन का संक्रमण नहीं होगा, अगर संक्रमण होगा तो बहुत ही लो वैरायटी का होगा, तो सबको टीका लगवाने की सलाह मैं देता हूँ। यस निश्चित। सबसे पहले हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि जहाँ 24 करोड़ की आबादी वाला है उत्तर प्रदेश, आप खुद महसूस करते थे कितनी घनी आबादी है वहाँ पर, कोरोना काल में जिस तरह से उनकी मेहनत और स्वास्थ्य विभाग के सारे हमारे कर्मचारी डॉक्टर्स के सहयोग से हम कोरोना पर काबू पाए और आज के तारीख में हम 15 से 18 वर्ष के नौजवानों को युवाओं को आज वैक्सीन यहाँ देंगे। और आज यहाँ पर करीब गोरखपुर में अकेले 3.5 लाख युवा है जिनको वैक्सीनेशन होना है और उस तरह से पूरे प्रदेश में 1.40 करोड़ करीब जो है युवाओं को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और निश्चित है सरकार का प्रयास, स्वास्थ्य विभाग का प्रयास बहुत ही सराहनीय है और इससे हम कोरोना जैसी महामारी से बहुत जल्दी ही निजात पा जाएंगे।